ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जय श्री राम, क्या हालचाल है? एक बज रहा है वैसे तो, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। दूसरा ये कि आज हम अपना जो हमारा अमाउंट है, पैसा है, जो बैंक का अमाउंट है, उस अमाउंट को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। कुछ पैसे तो मैंने पापा से लिए 1 लाख रुपये तो, और बाकी का एक छोटा सा अमाउंट था 20,000 पे, वो अपने दोस्त से लिया है 20-22,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे करके उस पेमेंट को अभी हम जाके बैंक में उसे देंगे और बाकी का अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी बैंक को देगी। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा। तो यहाँ से अभी हम पैसे लेकर चलते हैं और पैसे एक जगह करते हैं पहले कलेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी घर से तो निकल गया, पैसे मैंने रख लिए, रख के जेब में दिख रहे हैं, साइड से गलती दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये दिख रही है। और ये चार्जर भी रास्ते में एक जगह पकड़ाना है, भाग लिया उनके ऑफिस में, एक्स ऑफिस में, तो वहाँ पर जाकर पकड़ाते हैं दोनों चीज़ें। एक सामने है ना, एक चीज़ दिखाऊंगा, अभी एक दीवार दिखाऊंगा, कल रात जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, मतलब मैं खड़ा था, मेरे सामने जस्ट हुआ था एक्सीडेंट, वो तो वो दिखाता हूँ। स्कूटी लगी थी उसमें, बहुत भयंकर। नहीं, स्कूटी लेने जा रहा था दुकान पर, पापा जी रास्ते मिल गए, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, वो जा रहे पापा। अभी दिखाता हूँ दीवार सामने की तरफ, स्कूटी चेंज कर लिया, अब जल्दी काम हो जा रहा है। PVS जाना है, PVS नहीं, गंगानगर जाना है, तो पेमेंट करने के लिए। ये सामने दीवार दिख गई, ये छेद दिख रहा है, इसमें बताओ क्या लगाओ, कमेंट करके बताओ। कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, क्या इसमें टकराया होगा, गाड़ी टकराई होगी, बाइक टकराई होगी, स्कूटी टकराई होगी, मतलब टोकन में टकराया होगा या फिर फोर व्हीलर। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें टकराई थी भाई स्कूटी और से, तो वो भोंक रहे थे, मैं कुत्तों को देख के इतनी तेज घबराया, वो लड़का था 18 साल का कम से कम, और उसके साथ उसकी सिस्टर थी, दोनों ही मतलब थोड़े से हट्टे कट्टे थे, बट वो इतनी ज़्यादा घबरा गए कि उन्होंने इतनी तेज़ स्कूटी भगाई और उन पर कंट्रोल नहीं हुई, सीधी जाके इस दीवार में लगी। गली में से ही आए थे, वो जिस गली से मैं जा रहा था ना, उसी गली में से आ गए, करवा दी। बट खुशकिस्मत ही ये थी कि भाई लड़कों को ना तो लड़के के चोट आई, ना लड़की के चोट आई, लड़के के थोड़ी सी हल्की सी आईब्रो के ऊपर चोट आई थी, तो ये कुछ सीन था भाई। कुत्ते अगर कुछ कभी भोंक रहे हो ना, तो पहली बात तो भागो मत, दूसरा ये कि रुक जाओ तो वो शांत हो जाएगा, फिर आराम से चले जाओ। आंधी आ रही है भाई, बहुत तेज़ टेम्पर, बारिश भी मुझे लग रहा पड़ने वाली है। जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ से निकलता हूँ गंगानगर, क्योंकि अगर बीच में बारिश पड़ गई ना तो मामला ख़राब हो जाएगा। चार्जर वाला सीन जो बता रहा था, चार्जर मैंने पकड़ा दिया, अब यहाँ से निकल रहा हूँ आगे की तरफ। एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, मैंने गोलू के साथ एक प्रैंक कर दिया आज, मैंने उसे हैवेल्स कंपनी का, एक हैवेल्स कंपनी है ना, तो मैंने उसकी तरफ से कॉल किया उसे कि हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 5 लाख का आपको पैकेज मिलेगा। तो लोटे ने रिजेक्ट कर दिया भाई साहब। उसका आधे से भी आधा उसका पैकेज है, कंपनी का आधा पैकेज है, मतलब आधा तो मिल ही रहा, मतलब है नहीं, मैंने उसके जस्ट जितनी उसकी सैलरी उसका जस्ट डबल से भी ज़्यादा का अमाउंट का पैकेज दे दिया उसे, तो तब भी उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे तो करनी नहीं है। पर हाँ, उसने मेरे को ना मेरे को फॉरवर्ड कर दिया कि भैया एक कंपनी है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जाके जॉब कर लो, तो उसका मैंने सी बना दिया। अभी देखते हैं आज उसका शाम को बनाऊंगा, अच्छी मतलब शाम को काटूंगा उसका, मतलब उसे ये नहीं पता वो कॉल मैंने ही करी थी, मेरी आवाज़ नहीं पहचान पाया पागल आदमी। 10,000 और निकालने थे ATM से, वो निकाल दिए, यहाँ से बस बैंक ही जाना है सीधा। ट्रांसफ़र भी कर सकता था बट सारे पैसे बैंक में अकाउंट में मेरे नहीं थे ना, और कुछ इधर उधर से अरेंज भी गया तो पूरा, इसलिए मैंने सोचा कि कैसे करा दूँगा। यहाँ से बिल्कुल पास नहीं है, एक दो बिल्डिंग छोड़ के ही है, तो बैंक पे चलते हो जल्दी से, एक दो बिल्डिंग छोड़ के ही है बैंक, तो देखता हूँ किधर से बाहर बाहर ही निकलना, मेन रोड पर जाने के लिए। बैंक भी आ गया, अभी पेमेंट जमा कर देते, ये भी पूरा फॉर्म भर के और इस पर लोन वन का डाल के, लोन नंबर डाल के, अमाउंट डाल के, कितने अमाउंट है, वो सब चीज़ें करने के बाद फिर पेमेंट करने वाले पेन से बैठने। ठीक है, पेमेंट तो जमा कर देता, सब वेट करने के लिए बोला, मैं बड़ा वेट करता हूँ, फिर उसके बाद एन ओ सी लेकर चलता हूँ। फॉर्म 34 के साथ लेना होगा तो फॉर्म 34 भी लेकर चलेंगे, फॉर्म 35 जो भी है। यार आज तो बहुत टाइम लगा था मैडम, 2-3 घंटे हुए मेरे को बैंक में आए हुए, अभी भी एक कोई बैठा हुआ है, कह रही है अभी थोड़ी देर वेट करो, अभी दोबारा जाना पड़ेगा, देखता हूँ क्या कहते हैं, बहुत टाइम लग गया। मतलब एक लास्ट एक पेपर देना है, NOC देने, खाली पेमेंट वेमेंट का सारा काम हो गया, NOC देने और फॉर्म 35 देना है, ये दो देने के लिए पता नहीं यार क्यों इतना टाइम लगा रही है, गुस्सा हो रहा है। फाइनली अभी मेरे को अपना फॉर्म 35 भी मिल गया, NOC भी मिल गई, और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए, और ये सब सामान मेरे सबसे पहले डिग्गी में डाल देता हूँ,
क्योंकि अब इसके बाद का काम जो मुझे कराना है ना वो सबसे वाला मेन है। जो गाड़ी है ना सबसे मेन चीज़ है गाड़ी को सेल कराना। अब जो कबाड़ी है वो बाहर गया हुआ है, उसने ये बोला कि कबाड़ी अभी बाहर गया हुआ है, और उसने नहीं मतलब जो मेरा सेलर है ना मतलब जो सेल कर रहा है गाड़ी को उसका फ़ोन आया था कि वो बोला कि अभी वो बाहर गया हुआ है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि मैं कल बात करूँगा। तो ये एक रीज़न है। मैंने कहा सर आप एक काम करो, मेरे को तो चेसिस बॉडी चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, ये दो दिला दो, आप पेमेंट करा दो, बात ख़त्म हो जाएगी, मेरा क्या रोल है उसमें, वो गाड़ी कभी भी लेकर जाए। तो ये सब चीज़ें बात करिए। अभी वो कह रहा है कि थोड़ी देर में बात करके बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है जल्दी से जल्दी प्रोसेस कराओ आप, ये टाइम मत लगाओ इसमें, मेरे को जल्दी से जल्दी पेमेंट चाहिए, क्योंकि बैंक का भी भाई उन्होंने रिस्क पे दिया है पेमेंट ना, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा घर की तरफ। सुबह से इतना ज़्यादा व्यस्त हो कि सैलून का मीटर ख़राब हो गया था, अब जाके इसे ठीक करवा रहा हूँ, नया मीटर लगवाया। अब जाके इसमें मीटर देखो भाई कितना छोटा कर दिया कंपनी वालों ने, कितना पैसा बचा रहे हैं। लो भाई फाइनली अपना मीटर भी लग गया, सील भी लग गई, और इस बार तो मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा बाहर से भी दिख रहा है मीटर। अभी जा रहा हूँ भाई घर, और आज मायरा का बर्थडे है तो उसे सेलिब्रेट करेंगे, देन उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। ये आज का कुछ प्रोसीजर है, बाकी हाँ मेरी वहाँ पर भी बात हुई थी, क्या कहते हैं मेरा फ़ोन एक तो डिस्चार्ज होने वाला है, मेरी बात हुई थी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं, जो डीलर है मतलब जो गाड़ी को सेल करने के लिए लगा हुआ है। तो उसने कहा कि सर अभी मेरी इस तरह बात नहीं हो पा रही, जो हमारी गाड़ी खरीदेगा मतलब जो बायर है उससे बात नहीं हो पा रही, तो ये एक रीज़न है। कह रहा कल बात हो जाएगी, तो कल मैं आपकी गाड़ी का बताता हूँ क्या अपडेट है, कब वो आएगा लेने के लिए, ऐसा कुछ उसने अपडेट दिया। ठीक है अभी फिलहाल हम घर आ गए, और जैसे भी आगे की अपडेट रहेगी, अगर आज दोबारा बात होगी मेरी इंश्योरेंस कंपनी में। अब तो वैसे टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, 7:28 हो रही थी, अंदर चलते हैं। Yeah.